सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर के आईमैक्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले इन्फिनिटी वॉर का एक आईमैक्स पोस्टर रिलीज किया गया था, जो मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब एक और आईमैक्स पोस्टर आया है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आईमैक्स का लोगो और थानोस का इन्फिनिटी गाउनलेट दिखाया गया है, जिसमें फिलहाल के लिए सिर्फ दो ही स्टोन है। वेल, तो इस पोस्टर का क्या मतलब हो सकता है? तो अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। वेल, इसका मतलब ये है कि हम इन्फिनिटी वॉर फिल्म सिर्फ और सिर्फ आईमैक्स के ही फॉर्मेट में देखे, क्योंकि ऐसी फिल्में काफी सालों में एक ही बार बनती है। तो शायद अवतार के बाद ये दूसरी फिल्म है जिसे सिर्फ आईमैक्स के ही कैमरे से शूट किया गया है, क्योंकि बाकी दूसरी मूवीज आईमैक्स के फॉर्मेट में शूट नहीं होती है। फिल्म के कुछ अच्छे अच्छे एक्शन को ही आईमैक्स के कैमरे से शूट किया जाता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर और डार्क नाइट की सीरीज, जिसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको कुछ सीन्स में उस फिल्म की स्क्रीन बड़ी लग रही होगी और अगले सीन में वो स्क्रीन छोटी हो जाती होगी। थिएटर में भी यही हाल था, और जब हमने ये फिल्म अपने घर के ब्लूरे में देखी थी तो उसमें भी ये फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन इस केस में इन्फिनिटी वॉर मूवी ऐसी नहीं है। इन्फिनिटी वॉर की पूरी मूवीज को उसी आईमैक्स के कैमरे से शूट किया गया है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये स्क्रीन थिएटर में फुल स्क्रीन में ही चलने वाली है, ना कि कोई अच्छे सीन्स में जाकर वो स्क्रीन बड़ी होगी और फिर वापस से आकर वो नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर आपको इस फिल्म के पूरे मजे लेने हैं तो आईमैक्स थिएटर बिल्कुल बेस्ट होगा इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि आईमैक्स ही रियल 3D है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ। और काफी लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं कि आईमैक्स और 3D में क्या फर्क है। वेल, 3D एक नॉर्मल है, लेकिन जब आप इस फिल्म को आईमैक्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असली 3D क्या होता है। तो अगर जिनकी सिटीज में आईमैक्स थिएटर है तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इस फिल्म को जाकर आईमैक्स में देखे, और जिनकी सिटीज में आईमैक्स थिएटर नहीं है तो वो इस फिल्म को नॉर्मल 3D में ही देखकर एंजॉय कर लीजिए। लेकिन मैं तो इस फिल्म को आईमैक्स में ही देखने वाला हूँ। तो आप इस फिल्म को आईमैक्स में देखोगे या 3D में, इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।